हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इसके पहले वीडियो में सोमनाथ होर जी के बारे में चर्चा कर रहे थे और आगे के सोमनाथ होर जी के जो कार्य क्षेत्र थे उनके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ और आप लोग ध्यान से इसे लर्न करिए। दोस्तों, 1957 ईस्वी में जब सोमनाथ होर यहाँ से डिप्लोमा प्राप्त किए तो उन्होंने इसी विद्यालय में इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, वो इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट मैनशिप में लेक्चरर का भी पदभार संभाला। और दोस्तों, सोमनाथ होर जी 1958 में दिल्ली कला महाविद्यालय, जो अब ललित कला महाविद्यालय के नाम से भी जानता है, और इस ललित कला विभाग में उन्होंने ग्राफिक विभाग के इंचार्ज का पद संभाला। और सोमनाथ होर जी किसी भी रूप में छापा चित्रण की पश्चिमी शैली से प्रभावित नहीं थे। दोस्तों, सोमनाथ होर जी एमएस यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में, अर्थात महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ोदरा तथा कला भवन शांति निकेतन में भी निरीक्षक बने थे। और दोस्तों सोमनाथ होर जी जो शांति निकेतन कला भवन में भी इन्होंने कार्य किया था, उस कला भवन में दिनकर कौशिक इस विभाग में जो महान कलाकार जैसे राम किंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी भी थे, इस कला में राजनीतिक उथल पुथल के कारण ये कला, अर्थात ये जो कला भवन थी, ये बिखर रही थी। परंतु सोमनाथ होर ने इन कलाकारों के साथ मिलकर कला भवन में ग्राफिक विभाग को एक नया चेहरा प्रदान किया था। इस कला भवन को जो काफी योगदान प्रदान किए वो सोमनाथ होर ने प्रदान किया था। और दोस्तों, सोमनाथ होर ने एक नई पद्धति का भी प्रयोग किया था, जिसको हम पल्प प्रिंट अर्थात लुगदी छापा का प्रयोग सोमनाथ होर ने किया था। जब कृष्णा रेड्डी, कमल कृष्ण ललित कला विद्यालय में थे, उनके द्वारा बनाए गए छापा चित्रों से सोमनाथ होर बहुत प्रभावित हुए थे तथा उनके साथ मिलकर उन्होंने निरंतर नए प्रयोग किए। और उसी प्रयोग का परिणाम ये हुआ कि सोमनाथ होर ने एक अद्भुत प्रयोग किया, जिसको हम लुगदी छापा के रूप में देखते हैं। और इसकी प्रदर्शनी 1973 में दिल्ली में आयोजित किए थे। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं सोमनाथ होर के
कुछ प्रमुख कलाकृतियों के बारे में। सोमनाथ होर की प्रमुख चित्रों के जो शीर्षक थे, जैसे माँ और बच्चा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र है, चीख, सड़क का बच्चा, शिकार, भाई और बहन, परिवार, बकरी और कुत्ता आदि इनके प्रमुख चित्रों के शीर्षक रहे। दोस्तों, 1985 में उन्होंने एक अद्भुत मूर्ति शिल्प की कल्पना की थी, जिसका नाम है कुत्ता। इस मूर्ति में सोमनाथ होर ने हमें यह संदेश देते हैं कि अकाल हमारे बीच से गया नहीं है, न ही हम विभाजन की रक्त रंजित स्मृतियों से मुक्त हो पाए हैं। इन्होंने इस मूर्ति में बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस भावना को व्यक्त किया गया है, क्योंकि सोमनाथ होर के जो चित्रों के शीर्षक होते थे वो बहुत ही सरल होते थे, जिससे यह देखते ही पता चल जाए कि इनके कहने का तात्पर्य क्या है। सोमनाथ होर ऐसे ही सरल स्वभाव में मूर्तियों का, छापा चित्रों का अंकन करते थे। दोस्तों, 1956 में सोमनाथ होर ने फुटपाथ पर सो रहा बच्चा जो चित्र अंकित किया था वो लीनो कट में निर्मित किया था, और इस चित्र में बच्चे का चेहरा उसकी शारीरिक मुद्रा में अकाल प्रेरित होने का भय और अंधकार को व्यक्त करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंट माना जाता है, जो कि लीनो कट में निर्मित किया था, फुटपाथ पर सो रहा बच्चा। और 1953 में उन्होंने वुड इनग्रेविंग में एक चित्र निर्मित किया था, और उस चित्र का नाम है रात को अंधेरे में चिराग की तेज रोशनी। दोस्तों, ये जो चित्र था ये ग्रुप मीटिंग का था, और ये ग्रुप मीटिंग का एक ऐसा माहौल चित्र बना रहा है जिसको बहुत ही मार्मिक ढंग से सोमनाथ होर ने व्यक्त किया है। और 1953 में ही रात की एक खुली बैठक की बहस का भी चित्रण उन्होंने किया था, और इस चित्र में श्रोताओं में महिलाओं की जो उपस्थिति थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, 1956 में सोमनाथ होर ने काष्ठ चित्रण में माँ और बच्चे का अंकन किए थे, और 1973 में उनका एक बहुत ही विख्यात चित्र है पीठ, जिसको काष्ठ चित्रण में निर्मित किया था, और इस पीठ में उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से टेक्सचर और संयोजन का बड़ा ही प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया है। और इस चित्र में जिस चित्र को उन्होंने अंकित किया है उसका जो पीठ है वो मनुष्य सिर झुकाए हुए एक व्यक्ति की पीठ हमें दिखाई देती है, और सोमनाथ होर की कला का ये विकास इस चित्र में देखने को मिलता है। दोस्तों, सोमनाथ होर ने 1977 में लिथोग्राफी में भूख पेंटिंग को निर्मित किया था, जिसमें भूखे व्यक्ति की मुद्रा में समय की जटिलता को उन्होंने व्यक्त किया है, और इस चित्र में हाथ में कटोरा लिए व्यक्ति को चित्रित किया गया है। और 1985 ईस्वी में
सोमनाथ होर ने कांस्य मूर्ति अंकित किया और उस मूर्ति का नाम है चीख। और दोस्तों 1986-87 में दिल्ली में आर्ट हेरिटेज दीर्घा में मूर्ति शिल्प प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया और इस प्रदर्शनी में कैटलाग में जो दिनकर कौशिक ने एक बहुत ही अच्छा इनका कैटलाग तैयार किया था। दोस्तों सोमनाथ होर जी भारतीय कला के इतिहास में मुख्य रूप से एक प्रिंट मेकर के रूप में ही जाने जाएंगे, परंतु इन्होंने 1974 में अचानक मोम के टुकड़ों से खेलते खेलते मूर्ति शिल्प की दुनिया में एक अद्भुत कदम रखा और एक तरह का जादुई प्रवेश पाया। और इनकी मूर्तियों में भी जख्म ही नजर आता है, क्योंकि उनमें जो जो जख्म को अनुभव किया था वो साक्षात ही उनके प्रिंटों में, उनके मूर्तियों में नजर आता है। दोस्तों उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है माँ और बच्चा। इस मूर्ति को उन्होंने वियतनाम को होमेज देने के इरादे से वो निर्मित कर रहे थे और ये कांस्य में निर्मित मूर्ति थी और इसकी जो माप थी वो 40 इंच ऊंचे और 40 केजी वजन का ये मूर्ति शिल्प था। परंतु दुर्भाग्य से किसी ने इस मूर्ति को चुरा लिया था और इस सदमे को सोमनाथ होर जी को काफी गहरा आहत हुआ था और इस मूर्ति से वो बहुत ही प्रभावित हुए थे और लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने कोई मूर्ति निर्मित नहीं किया था। परंतु इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे उस जख्म को भुलाया और पुनः मूर्तियों का निर्माण करने लगे। तो सोमनाथ होर जी की जो जिंदगी में तमाम तरह की जख्में प्राप्त होती हैं और ये दुर्भाग्य भी उनको एक जख्म ही प्रदान किया। दोस्तों सोमनाथ होर कहा करते थे कि प्रिंट मेकिंग को वो एक तरह का डेमोक्रेटिक कला कहते थे और सोमनाथ होर के जो प्रिंट मेकिंग थी उसमें डेमोक्रेटिक कला देखने को मिलती है। और सोमनाथ होर ने इराटिक कला में भी दिलचस्पी दिखाई थी। दोस्तों इराटिक कला जिसमें इनका एक प्रसिद्ध चित्र जो 1976 में निर्मित किया था मिथुन, जिसमें संभोगरत युगल एक अद्वितीय ऊर्जा को प्रेक्षक के सामने लाते हैं और इस चित्र में मनुष्य की पाशविकता और जंगलीपन का साक्षात दर्शन देखने को मिलता है। दोस्तों आइए देखते हैं सोमनाथ होर जी के कुछ प्रमुख
बातों को सोमनाथ होर जी की इन तमाम सारी भारत के परिपेक्ष में योगदान के लिए भारत सरकार ने सोमनाथ होर को मरणोपरांत 2007 में पद्म विभूषण से भी नवाजा, क्योंकि सोमनाथ होर जी का 2006 में मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, ये रहे सोमनाथ होर जी से संबंधित बातें, और हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे एक प्रसिद्ध छापा चित्रकार अनुपम सूद के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।